ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार के उच्च शिक्षा पर और क्या राजनीति का शिकार हो रही है बिहार के उच्च शिक्षा। हमारे साथ एक दर्शक काफी देर से जुड़े हुए हैं, आर्यन सिंह जी पटना से। जी आर्यन सिंह जी बताएं, क्या है आपकी राय? नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। नमस्कार। नमस्कार, आ रही है आपकी आवाज, बताएं। बिहार के उच्च शिक्षा जगत में जी जो हस्तक्षेप हो रहा है और जहाँ कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पर सरकार की नीति से के अनुसार उनसे राय नहीं ली जा रही है, उस स्थिति में तो शिक्षा जगत में एकदम केओस खड़ा हो जाएगा। और ये तो शिक्षा के उच्च शिक्षा के रास्ते में हमेशा ये माने बाधक बन के खड़ा हो जाएगा। जो बिहार चाहता है इतना जल्दी से आगे तरक्की करें और शिक्षा में हम आगे बढ़े और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो और ऊपर के जो अफसर हैं, गवर्नर हैं या और लोग हैं, और वहाँ पर एक आपस में सामंजस्य नहीं बना पाते हैं तो कानून का तो माहौल हो जाएगा, तो फिर कोई क्या करेगा बताइए उसमें। तो जी जी, आर्यन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया देश लाइव के साथ बातचीत करने के लिए। तो पटना से एक दर्शक थे आर्यन सिंह जी, जो कह रहे थे कहीं ना कहीं जो टकराव है उच्च स्तर पर, राज्यपाल सरकार का टकराव हो या केंद्र राज्य का टकराव हो, जो परिणाम भुगतना पड़ रहा है वो बिहार के विद्यार्थियों को है। 170 विद्यार्थी जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, उन्हें नहीं पता कि अब वो कहाँ पढ़ेंगे क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। पटना में जमीन मिले कि मोतिहारी में, इस बात को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच छनी हुई है। जो कुलपतियों की नियुक्ति का मामला है वो भी विवादों में था। जो शिक्षक हैं उन्हें ही कुलपति बना दिया गया है। तीसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम नालंदा यूनिवर्सिटी से क्यों अलग हो गए? हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, विवेक जी मुजफ्फरपुर से। जी विवेक जी बताएं, आपकी क्या राय है? जहां तक जमीन का सवाल है जी जी, तो पटना में जमीन तो समझिए है ही नहीं जी, और वहां यूनिवर्सिटी बढ़ने से ट्रैफिक का और जो हाल है बुरा हो जाएगा जी। तो इससे तो मैं सहमत हूँ कि मोतिहारी या कहीं अन्य जिला में अगर दिया जाए जमीन तो उसमें सेंटर को अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। और सेंटर का ये तो मत है कि केंद्र मतलब अड़ंगा लगाए, चूंकि नीतीश उनसे सहमत नहीं रहते हैं केंद्र से जी। और रह गई कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में, पता नहीं, मैंने तो अभी आपके चैनल से जाना कि कोई मिसेज सबरवाल आ गई हैं, गोपा सबरवाल, ऐसी ऐसी प्रतिभा है जी। तो ये एक मिसेज सबरवाल को पता नहीं किस हिडन एजेंडा के तहत नीतीश जी ने उसको बनाया था जी जी। और यहाँ के कुलपति जो है, कुलपति जिसको गवर्नर को बोलते हैं ना जी जी जी, देखिए सब दिन वीसी के अपॉइंटमेंट में पैसे का लेन देन चलता है जी जी। और जितने भी वीसी बनते हैं वो बड़े सब स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, उनकी शिक्षा बड़ी अच्छी नहीं होती है जी जी। तो इसमें राज्य सरकार को तो थोड़ा सा दुखी होगा ही, देखिए सब ढाल मिल है जी जी। इसमें नीतीश जी को दुख होगा कि मेरे बिना बनाना भी नहीं चाहिए था गवर्नर को जी। तो गवर्नर हाउस में शुरू से ये होता आया है पैसे का लेन देन कि पहुंचाइए थैली और गवर्नर नीतीश बन जाइए जी। विवेक तो जी जी जी, जी विवेक जी, थोड़ा सा वक्त की कमी है, हम ज्यादा लंबा नहीं फोन ले पा रहे हैं आपका, माफ करें हमें। लेकिन जो विवेक जी ने था उन्होंने पूरी तरह आईना सबके सामने रख दिया कि कैसे, खुद उन्होंने कहा कि कहीं पर केंद्र गलत, कहीं पर राज्य गलत, हर किसी की मंशा यही कि उसके लोग अच्छे पोजीशन पर बैठे। एपीजे अब्दुल कलाम अमर्त सेन के रहते दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रीडर गोपा सबरवाल को नालंदा विश्वविद्यालय का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रथम कुलपति बनाना, वहीं राज्यपाल की ओर से कुलपतियों की जो नियुक्ति का विवाद है राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बननी थी बिहार में उसका कोई अता पता नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो चल रही है जमीन के विवाद में फंस गई है, ऐसे में बिहार की उच्च शिक्षा का होगा क्या? हमारे साथ एक दरभंगा से दर्शक जुड़े हुए हैं, पाठक साहब जी बताएं, पाठक जी क्या राय है आपकी? सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं कि ये उच्च शिक्षा की बात करते हैं जी, सबसे पहले जो हमारे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है जी जी, उसका सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा है जी। एक भी स्कूल में सही ढंग से शिक्षक पढ़ाते नहीं है, उनको जानकारी नहीं है क्या पढ़ाना है बच्चे को जी। तो पहले बहस का मुद्दा प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए जी जी, और प्राथमिक शिक्षा में सुधार होगा तो निश्चय ही उच्च शिक्षा में भी सुधार होगा जी बिल्कुल। और यहाँ के जो लोग जो पॉलिटिशियन है या जो भी शिक्षाविद है जी, वो अच्छे शिक्षा के और अग्रसर नहीं दिखाई दे रहे हैं जी।
जी जी मणिभूषण जी जी मणिभूषण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका देश लाइव के साथ बातचीत करने के लिए। तो मणिभूषण जी ने कहा कि उच्च शिक्षाएं नहीं, जहां तक प्राथमिक शिक्षा है उसकी उसके भी हालत बेहद खस्ता है बिहार में। दरअसल हम आपको एक स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि बिहार से हर साल 80 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, क्योंकि 10वीं 12वीं तक तो विद्यार्थी किसी तरह यहां पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा की बात आए तो उनका प्रेफरेंस पुणे कोटा दिल्ली वगैरह दूसरे राज्य हो जाते हैं। और यही वजह है कि बिहार का जो टैलेंट है वो बिहार में नहीं रह पाता। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं ठाकुरगंज से, अग्रवाल जी। जी अग्रवाल साहब बताएं क्या राय है आपकी। जी ऐसा है, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला है जी जी, इसमें बिहार सरकार ने तकरीबन 8 महीने पहले जी ये जमीन फाइनल करके 242 एकड़ जमीन जी जी जी। अग्रवाल साहब थे ठाकुरगंज से, काफी कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, पर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से उनका फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। हम कोशिश करेंगे कि शायद अग्रवाल साहब सुन रहे हों तो फिर से शायद वो दोबारा ट्राई करेंगे, कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, तो आइए सुनते हैं जदयू के नेता हैं मुनज़्ज़िर हसन साहब, वो क्या कहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, विवाद कहाँ है वो बता रहे हैं। ये कहने के लिए न अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और न भारत सरकार ये यूनिवर्सिटी खोलना नहीं चाहती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा रखती नहीं है। इसका काम मात्र ये है कि बिहार के अंदर जो एक ऐसी हुकूमत चल रही है जो विकास कर रही है, बिहार के अंदर जो हुकूमत चल रही है जिससे न्याय के साथ विकास करने के साथ साथ अकलियतों पर और समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले वंचित तबके पर विशेष ध्यान देने का काम किया है, उसको बदनाम करने की एक साजिश है। तो आपने सुना मुनज़्ज़िर हसन साहब क्या कह रहे थे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं वसीम साहब पटना से। जी वसीम साहब बताएं क्या है आपकी राय। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारे बिहार में जो है जी जी बहुत सारी परेशानी आ रही है, खास करके स्कूल के बारे में जी जी। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि किशनगंज में जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा था कि खुलना है जी, लेकिन अभी तक नहीं खुला हुआ जी। और इसी तरीके से बहुत सारे स्कूल और क्या क्या है जिसमें कुछ नहीं हो पा रहा है जी। तो हम चाह रहे हैं कि इसके बारे में इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है हर पार्टी को हर लोगों को चाहिए कि भाई शिक्षा हमारा आगे बढ़े और सारी परेशानियां दूर हो, कम से कम पढ़ाई के साथ सियासत ना हो जी, जी। बल्कि पढ़ाई एक अच्छी तरीके से हो, इन हर आदमी कामयाब हो। आजकल हमारे बिहार में इतने लोग निकल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन वो रह नहीं पाते यहाँ जी। तो हम चाह रहे हैं कि भाई उन लोगों के लिए कुछ किया जाए ताकि बिहार के आगे जाकर पहुंचे और बिहार का हर जगह नाम हो जी। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया देश लाइव के साथ बातचीत करने के लिए। तो वसीम साहब थे वो कह रहे थे कम से कम पढ़ाई लिखाई में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह एक दर्शक ने खुद बताया कि प्राथमिक शिक्षा का हाल बदहाल है, उच्च शिक्षा में जिस तरह राजनीति हो रही है, हमें नहीं पता कि गलती किसकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भुगतना यहाँ की आम जनता को पड़ रहा है, छात्र पलायन कर रहे हैं, ऐसे में इस समस्या का निदान क्या हो, हम इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौटते हैं।